हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था और आप लोगों से बात करने का डेली दिल चाह रहा था, मगर बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से बात नहीं कर पाती हूँ। तो बस छोटी छोटी सी मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जो प्लांट्स हैं घर पर, मैं वो प्लांट्स दिखाऊंगी। और इसके साथ ही छोटी अली बेटी के मैंने स्ट्रेट कट में बाल कट किए हैं, तो बालों की कैसे कटिंग करनी स्ट्रेट कट में वो मैं आपको बालों की कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्लांट्स और कटिंग दोनों चीज़ें, और फिर आप बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलने के पहले जो है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आप लोग किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, रियल लाइफ स्टोरी में, ब्यूटी में, किस तरीके से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि कम से कम हो। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है जहाँ पर मनी प्लांट और ये चार पांच तरीके के पौधे लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है यहाँ बरामदे में। और एक बेल लगी हुई है छज्जे पर जिसको रख दिया गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, एकदम घनी घनी सी। तो मैं इसमें पानी डाल रही थी, वैसे बोतल भी यूज कर लेती हूँ मैं, और मगर मैं मग से पानी डाल रही थी। ये वीडियो है 2 अक्टूबर का, उस दिन छुट्टी थी ऑफिस की, तो फिर जो है इसी काम में लग गए। हमने कहा चलो आज हम ही कर लेते हैं। तो ये छोटी वाली बेटी मेरी खड़ी और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को भी आई होप कि पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे लगते होंगे क्योंकि नेचुरल चीज़ है, हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ का तो हो चुका है काम पूरा, अब फटाफट से चलते हैं छत पर। छत पर भी मैंने क्या क्या लगा रखा है ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, और आपको कैसा लग रहा है ये सब। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है प्लांट्स वगैरह, नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम आ चुके हैं छत पर, और यहाँ पर 6-7 जगह पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि हम लोग पूजा भी करते हैं डेली, इनमें पानी वगैरह डाला जाता है। और तोरई के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, और इस साइड में दूसरे कॉर्नर पर भी ये 3 जगह तुलसी इधर लगी हुई है और ये तोरई लगे हुए हैं, और मैंने कई बार यहाँ से तोड़ तोड़ के बनाई भी है। और ये देखो थर्माकोल का बॉक्स, तो इस पर भी लगा दी हैं तुलसी, और पुदीना भी इस पर डाला हुआ है। और ये इस तरीके से हमारा व्यू है छत का, और यहाँ से हमारा बिल्कुल पास में जो इलाहाबाद वाला हाईवे, कानपुर इलाहाबाद वाला हाईवे है, एकदम पास में है, 2 मकान के बाद ही है ये। तो ये देखिए बिल्कुल पास से आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, तो जो है। और यहाँ पर बादाम और अखरोट ये चीज़ें ख़राब हो रही थी, गरी वगैरह ये सब, काफ़ी दिनों से धूप नहीं दिखाई थी, तो मैं साथ में डिब्बे भी यहाँ लेके आई थी। तो ये बिटिया है छोटी वाली, ये उसी को खोल खोल के यहाँ पर जो है डाल रही हैं, फैला रही हैं यहाँ पर। तो ये है कि आज तेज धूप निकली हुई है तो हो जाएगा। और कुछ ये प्लांट्स लगे हुए हैं इस तरीके से, और इसमें जो है खाद पौधों के लिए बनाने के लिए, जैसे हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, पपीता खाते हैं, केले वगैरह खाते हैं, तो उनके जो छिकल होते हैं, छिलके होते हैं, और इसके अलावा तो हम लोग फेंकते नहीं। और बिटिया रानी की मैं कर रही हूँ कटिंग स्ट्रेट बालों में, नीचे से बहुत ज़्यादा पतले हो रहे थे, स्ट्रेट बालों में नहीं मतलब स्ट्रेट कटिंग मैं कर रही हूँ, नीचे से बहुत ज़्यादा पतले हो रहे थे। जब वो स्कूल के लिए 2 चोटी बनाती है तो एकदम से ऐसे पूंछ जैसे निकल आते थे अपनी भाषा में बोलें तो। और अभी क्योंकि छुट्टी का दिन है तो पता है कि सारे काम ही लेट हो जाते हैं, तो मैं काट रही थी सब्जी बैठ के यहाँ पर, मगर ये जो है बहुत ज़्यादा बोलने लगी, अभी काट दो, फिर तुमको टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा अभी काट देती हूँ, बोली मैं फिर नहा लूँगी आके। तो स्ट्रेट कटिंग में कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको मतलब कोई भी कटिंग आपकी हो, बाल जो है 50% बाल आपके गीले होना चाहिए,
और पानी नहीं उनसे टपकना चाहिए, लेकिन बाल अच्छे तरीके से गीले होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से कॉम्ब करना चाहिए। पहले बड़े दांतों से फिर छोटे दांतों से कॉम्ब जरूर करना चाहिए ताकि जो है सारे बाल आ जाएं। कई बार होता है कि बाल फंसे हुए होते हैं तो फिर वो बाल बाद में निकलते हैं, तो इस तरीके से बस स्ट्रेट में ही हमको कैंची रखना है, या चाहें तो मिड लाइन से भी काट सकते हैं इसको कटिंग करके। मगर जो है मेरा तो कैसे भी हाथ चल जाता है, मैं तो कैसे भी कट कर देती हूँ। तो अब इनकी लगभग में कटिंग पूरी हो गई है और बहुत ही सिंपल होता है, ऐसा नहीं कि हमें इसके लिए भी किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यू कटिंग है, स्ट्रेट कटिंग है, इन कटिंग्स को हम लोग जो है घर पर ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तो इसके बाल गीले हैं तो इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, और अभी मैं आप लोगों को इसके सूखे बालों में दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लुक आया है। स्ट्रेट ही, कोई इसमें भेद नहीं है कि कोई वैसी कटिंग है, मगर बहुत ही अच्छा इसमें आया हुआ है जो बाल सूखने के बाद में जो इसका लुक आया है। और इस तरीके से एक बार करने के बाद में फिर दोबारा से कंघी करके एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि किस तरीके से लग रहे हैं बाल। तो अभी ये इस तरीके से लुक है और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि सूखने के बाद में कैसा हुआ, कैसा लुक लग रहा है। ये रहा व्यू बाल सूखने के बाद का, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जो है लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो।